हरदा जिले के ग्राम सिराली में गांधी चौक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्याय यात्रा आरंभ की। कांग्रेस की इस यात्रा में एक भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता नहीं पहुंचा, पूरे समय कार्यकर्ता ही जनता के बीच मौजूद रहे। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा का शुभारंभ कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया। न्याय यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए हरदा जिला मुख्यालय पहुंची, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेंट किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। यात्रा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, मध्य प्रदेश और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, उनके साथ छलवाव की जा रहा है। किसानों को राहत राशि में, गेहूं के बोनस में, हर चीज में व्यवस्था नहीं जाए। दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ नेता जितने भी हैं, जिनके साथ जेल पहुँचाया जा रहा है, और चिदम्बरम जी जैसे नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनको कि करीब उनकी कोर्ट से भी जमानत हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दबाव डालकर जज को ही हटा दिया गया और हमारे उनकी जमानत निगरानी की जा रहा है आदरणीय चिदम्बरम जी। इसी संदर्भ में है ये जो यात्रा यहाँ से निकलेगी, सिराली गांधी चौक से होते हुए हरदा घंटाघर पे जाएगी। राष्ट्रपति के नाम पे माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा और पदयात्रा का हमारा प्रारंभ यहाँ जाकर समापन होगा। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।